नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत करता हूं। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि एमसीडी पीआरटी पे केस हो चुका है और काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है एमसीडी पीआरटी को लेके। तो काफ़ी फ्रेंड्स चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, काफ़ी चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो। हालांकि जो ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल ना हो, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज, अभी देखते हैं क्या होता है। और काफ़ी फ्रेंड्स के क्वेश्चन आए हैं, कमेंट्स आई हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं, उनके कुछ क्वेश्चन भी हैं। तो मैंने कुछ कमेंट लिए हैं, मेन कमेंट्स लिए हैं, तो उन कमेंट्स के माध्यम से मैं आप सभी को रिप्लाई करना चाहूँगा। और आप भी देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स क्या सोचते हैं एमसीडी पीआरटी के बारे में। तो गाइज, आइए शुरू करते हैं। और नेक्स्ट टाइम आप भी मतलब कमेंट दें अपने, जिन्हें हम नेक्स्ट टाइम मिलकर पढ़ेंगे। तो गाइज, आइए शुरू करते हैं। रेखा जी लिखते हैं, खाली बैठे लोगों को एक ही काम है, केस कर दो, हर बात पर केस। एसएससी में भी कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, ऐसे तो एसएससी किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट ही नहीं आएगा, केस पर केस चलेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आता कितने लोगों ने एनआईयूएस पढ़ ली होगी, 2 साल वाला सिलेबस किसने कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने खुद एनआईयूएस पढ़ी ही नहीं थी। केस वालों का क्लियर अब भी नहीं हो और बाद में क्या खाक क्लियर कर लेंगे। जब बीएड वाले और न्यू सीटेट क्लियर करने वाले बच्चे ऐड हो जाएंगे, इनका वो काम है, ना जॉब लगेंगे ना जॉब लगने देंगे। तो रेखा जी का जो कमेंट है, मैं इससे काफ़ी हद तक सहमत हूँ। इन्होंने जो कमेंट किया है वो बिल्कुल सही है काफ़ी हद तक, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो 2 साल का सिलेबस है वो 10-15-20 दिन में कौन अच्छे से कर सकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनआईओएस ही करेंगे। और बात रही एनआईओएस की, आप समझ सकते हैं जो 30 वाला एग्जाम था उसमें फर्स्ट पार्ट था वो 14 से काफ़ी इजी था, 28 से भी काफ़ी इजी था। अब ऐसा तो है नहीं कि उनमें से अब बच्चे 14 वाले हंगामा करने लगे कि भाई हमारा एग्जाम, हमारा फर्स्ट पार्ट हार्ड था। तो ये काफ़ी हद तक ये कमेंट सही है। रेशमा जी लिखती हैं, अरे करो धरना और कैंसिल करवाओ वरना पछताओगे, क्योंकि ये वैकेंसी फुल हो गई तो हम तो मेहनत करके भी पीछे रह जाएंगे। तो रेशमा जी, अभी आप वेट करें, क्योंकि अभी ये नहीं है 30 वालों को बेनिफिट मिलेगा, और इवन 28 वाले हैं जो उनका क्लियर नहीं है कि इतने सारे क्वेश्चन रिपीटेड डिलीट होंगे। तो आप टेंशन ना लें और कैंसिल होना सॉल्यूशन नहीं है। तो गाइज, आप क्या सोचते हैं आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद संगीता जी लिखती हैं, सर होना चाहिए, 30 वाले क्या पागल हैं जो चुपचाप रहेंगे, मेहनत हमने भी की है, फिर भेदभाव क्यों, हमारी गलती क्या है। तो संगीता जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूं, और नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों को बिल्कुल बेनिफिट मिलना चाहिए, कैंसिल होना सॉल्यूशन नहीं है। जो आप सोच रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा सही है, और हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन में बिल्कुल बेनिफिट मिले। तो गाइज, आप इस पे भी कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद रोहित जी लिखते हैं, अरे भाई रिजल्ट आ जाए, किसी का तो सिलेक्शन होगा, 1 साल हो गया, हमारे पॉलिटिशियन ने यूथ का फ्यूचर बेकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो रोहित जी ने जो कमेंट दिया है, मैं उससे बिल्कुल खुश हूँ, और गाइज शायद आप भी बिल्कुल खुश होंगे। किसी का भी सिलेक्शन हो, लेकिन किसी का तो हो, ये नहीं कि कैंसिल होना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो गाइस, रोहित जी का कमेंट है, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद राहुल जी लिखते हैं, सर एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, जो 40% नंबर गेन ना कर पाए एक पार्ट में, वो क्या टीचर बनेगा। पेपर का लेवल इतना टफ भी नहीं था जितना उसे बोल बोल कर बनाया जा रहा है। तो राहुल की जो बात है, राहुल जी मैं आपकी बात से काफी हद तक खुश भी हूँ, सहमत हूँ, लेकिन हुआ क्या है कि जो 30 वाला थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, हालांकि इतना भी नहीं है जितना उसे बोल बोल के बनाया जा रहा है। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो उसमें पास भी हुए हैं, और आगे मैं आपको ऐसी कमेंट दिखाने वाला हूँ। एक साथी हैं उनके उसमें अच्छे मार्क्स हैं। तो अभी जो आपकी कमेंट है वो काफ़ी अब तक सही है। इसके बाद सोनू जी लिखते हैं, राइट सर, हम जरूर आएंगे और रिजल्ट तो आएगा, और कैंसिल बिल्कुल नहीं होने देंगे एग्ज़ाम। तो सोनू जी ने जो ये कमेंट दिया है उस वीडियो पे दिया है जिसमें धरना देने की बात हो रही थी। तो सोनू जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें जिससे रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाए। हालांकि उम्मीद यही है कि रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा।
इसके बाद चंचल जी लिखती हैं, बहुत वेट करा दिया, अब तो बस रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, सिलेक्शन चाहे किसी का भी हो बट रोके ना रिजल्ट्स। तो जो चंचल जी का कमेंट है बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट लगा, इन्होंने जो बात कही है, इन्होंने ऐसा नहीं कि कोई अपना बेनिफिट देखकर बात की है, इन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि रिजल्ट आना चाहिए, कैंसल हो के बार बार किसी का भी बेनिफिट नहीं हो रहा, और बात बिल्कुल सही है, किसी का तो सिलेक्शन हो। तो चंचल जी, मैं आपकी कमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। इसके बाद प्रीति कुंडू जी लिखती हैं, सर हम आएंगे, अब तो रिजल्ट आना ही चाहिए, हम नेक्स्ट एग्जाम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो प्रीति जी ने कमेंट दिया है बिल्कुल मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि अभी क्या हो पा रहा है कि जो KVS का भी एग्ज़ाम है बहुत जल्दी आने वाला है, 22 को एग्ज़ाम है, तो कैंडिडेट्स उस पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं DSSB की वजह से। तो अगर रिजल्ट आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और साथियों मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप KVS की भी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। इसके बाद नीतीश जी लिखते हैं, डियर सर मैं SC कैटेगरी से हूँ, मेरे 30 सितंबर के MCD वाले एग्ज़ाम में 80 मार्क्स बन रहे हैं, पार्ट ए में 36 और बी में 44, कोई चांस है सिलेक्शन का, प्लीज़ रिप्लाई। तो नीतीश जी मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका एग्ज़ाम है आपने सेकेंड पार्ट में 44 मार्क्स लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, और साथियों आप देख सकते हैं ऐसा नहीं है कि 30 वालों के मार्क्स नहीं आए, 30 वालों के भी मार्क्स आए, और ये साथी वो हैं जो पढ़ने वाले हैं। और मैं आपको बता देता हूँ नीतीश जी, आप टेंशन ना लें, आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप टेंशन ना लें। इसके बाद भाग्य दिव्या जी लिखते हैं, हालांकि ये इंग्लिश में कमेंट है, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। तो गाइस इन्होंने कहा है कि जो पार्ट ए के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है तो वो गलत है, क्यों? क्योंकि जो पैडागोजी है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और अगर हम पैडागोजी को मिस कर देते हैं इसका मतलब है कि जो स्कूल है उनको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए पैडागोजी, टीचिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उनकी वही चीज़ें क्लियर नहीं है तो वो स्कूल में कैसे पढ़ा पाएंगे अच्छे से, इसका मतलब है कि अच्छी क्वालिटी के टीचर नहीं मिल पाएंगे। तो ये कमेंट इनका उस वीडियो पे है जिसमें डिमांड की गई थी कि जो सिलेक्शन हो वो पार्ट वन के अकॉर्डिंग हो, केस करने वालों की, मतलब केस करने वालों की डिमांड थी कि सिलेक्शन हो पार्ट वन के अकॉर्डिंग हो या एग्जाम कैंसिल हो। तो इन्होंने जो कमेंट दिया मैम ने बिल्कुल अच्छा कमेंट है, आई एम एग्री विद दैट। इसके बाद दीप सिखा जी लिखते हैं, सर न्यू DSSB की वैकेंसी का कुछ आइडिया है? तो बता देना चाहता हूँ, अभी न्यू वैकेंसी का अभी चला था एक मैटर, लेकिन अभी जो ये वैकेंसी हैं ये क्लियर नहीं हो पा रही हैं, और मुझे नहीं लगता जब तक ये क्लियर नहीं होंगी न्यू वैकेंसी आएंगी, तो हो सकता है कि अभी और टाइम लगे, और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी से ये वैकेंसी क्लियर हो जाए, और ये क्लियर होने के बाद फिर न्यू वैकेंसी आ जाएंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें जिन्हें हम नेक्स्ट टाइम मिलके पढ़ेंगे। और दोस्तों बता देना चाहता हूँ, जो भी साथी धरना दिया जा रहा है उसमें अगर शामिल होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइज गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।